सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यततो हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। हरे कृष्ण। तो ये दूसरे अध्याय का 60th श्लोक है जो कि जिसमें भगवान चर्चा कर रहे हैं कि जो स्थित प्रज्ञ जो भक्त है बैठता कैसे है। तो बैठता कैसे है, तो 58th वर्स से लेके 63 वर्स तक ये जो 6 श्लोक हैं, इन 6 श्लोकों में भगवान चर्चा कर रहे हैं कि बैठता कैसे है। और अब इस श्लोक में 60 नंबर श्लोक, इसमें भगवान कह रहे हैं कि यत तो ही अपि कौन्तेय, कि यत्न करने के पश्चात भी, यत तो कि बहुत यत्न करता है एक भक्त, उसके पुरुषस्य विपश्चितः, और जो पुरुष है, जो व्यक्ति जो है, जो इसमें बहुत प्रयास कर रहा है, वो इतना प्रयास कर रहा है और पूरी बुद्धि लगा के कर रहा है। विपश्चितः, विपश्चिता मतलब श्री प्रभुपाद लिख रहे हैं फुल ऑफ डिस्क्रिमिनेटिंग नॉलेज, मतलब उसमें पूरी विवेक, पूर्ण विवेक है उसमें, वो पूरी तरह से अपना मन भगवान में लगाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी उसका मन क्या करेगा, इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मनः। इंद्रियां तब भी प्रमाथीनि, बहुत जिद्दी हैं, वो नहीं मानेगी एक विवेकी पुरुष की बातें भी, और हरन्ति प्रसभम मनः, और इसलिए इंद्रियां मन को फोर्सफुली हर के ले जाएंगी। माया का यही काम है, निकटस्थे माया झपटिया धरी, माया फोर्सफुली ले जाती है। तो इंद्रियों में क्या है, इंद्रियों में संसार का रस है, संसार का रस होने के कारण क्या है, इंद्रियों में माया भरी हुई है, उसमें भक्ति भरनी पड़ेगी तब जाके माया निकलेगी। अब ये श्लोक भगवान क्यों बता रहे हैं, ये श्लोक इसलिए बोल रहे हैं भगवान कह रहे हैं कि अगर हायर टेस्ट नहीं लेंगे तो चाहे जितने मर्जी इंटेलिजेंट हो जाए, विपश्चिता मतलब मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन, जिसमें डिस्क्रिमिनेशन पावर बहुत ज़्यादा है, जो भेद देख सकता है कि भोग क्या है भक्ति क्या है, और अगर हायर टेस्ट नहीं मिला ऐसे व्यक्ति को, तो फिर वो व्यक्ति चाहे जितना मर्जी बुद्धिमान हो जाए, उसकी इंद्रियों को माया हर के ले जाएगी, इंद्रियों और मन को ख़त्म कर देगी, या इंद्रियां उसके मन को हर के ले जाएंगी दूसरे शब्दों में, और वो विफल हो जाएगा। इसलिए कहने का आशय ये है कि अपनी बुद्धि के बल पर हमें भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास केवल अपनी बुद्धि के बल पर नहीं करना चाहिए, शीघ्र अतिशीघ्र कनिष्ठ से मध्यम के स्तर पर आ जाना चाहिए। एक्चुअली वैदी और रागानुगा भक्ति का कॉन्सेप्ट भी रूप गोस्वामी ने भगवद्गीता से ही तो लिया है, ये इसमें वैदी और रागानुगा ही तो बताई जा रही है। इसमें क्या बताया, इस श्लोक में वैदी भक्ति बताई जा रही है कि जो वैदी भक्त है वो प्रयास करेगा अपनी बुद्धि के द्वारा, लेकिन जब तक वो रागानुगा के स्तर पर नहीं आएगा, पिछला श्लोक रागानुगा के स्तर का है, विषया विनिर्वर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोऽप्यस्य, जब तक वो रागानुगा के स्तर पर नहीं आएगा तब तक वो गिर सकता है। यत तो ही अपि कौन्तेय, अगर वो नहीं हायर टेस्ट लेगा, केवल बुद्धि से चलेगा, तो इंद्रियाणि प्रमाथीनि, इंद्रियां बहुत प्रबल हैं, उसको खींच के ले जाएंगे, उसके मन को हर लेंगे। और इसलिए कहा जा रहा है कि, और इसलिए श्री प्रभुपाद इसके तात्पर्य में एग्जाम्पल दे रहे हैं, किसका एग्जाम्पल दे रहे हैं, विश्वामित्र का। विश्वामित्र इतनी 60,000 साल तपस्या की, उसके बावजूद भी बस मेनका को एक बार देखने से माइंड उनका पूर्ण रूप से डिस्टर्ब हो गया, क्या है ये, तो 60,000 साल की तपस्या कहाँ गई। इसका मतलब ये श्लोक भगवान ऐसे ही नहीं कह रहे, विश्वामित्र तो मोस्ट इंटेलिजेंट थे, लेकिन विश्वामित्र को हायर टेस्ट की प्राप्ति नहीं हुई थी। श्री प्रभुपाद लिख रहे हैं ई वॉज अ योगी, वो योगी थे, वो कोई डिवोटी नहीं थे, बाद में डिवोटी बन गए थे, इस समय तो ब्रह्म ऋषि थे, बाद में फिर वो डिवोटी बन गए थे, और फिर इसलिए भगवान राम के कांटेक्ट में भी आए, भगवान राम को लेके गए, बाद में डिवोटी बन गए, इस टाइम पे वो योगी थे, केवल अपनी इंटेलिजेंस से चल रहे थे, और इसलिए उनका फॉल डाउन हो गया। और लेकिन आगे अगर हम देखें तो और किसका एग्जांपल दे रहे हैं, शिल प्रभुपाद यमुनाचार्य का एग्जाम्पल दे रहे हैं, रामानुजाचार्य के गुरु। यमुनाचार्य का लेकिन फॉल डाउन नहीं हुआ, यमुनाचार्य का फॉल डाउन क्यों नहीं हुआ, यमुनाचार्य का फॉल डाउन इसलिए नहीं हुआ, उनके मन में थॉट आ रहा है, थॉट अगर हमारे मन में किसी स्त्री का है तो
एक आम व्यक्ति, भोगी व्यक्ति क्या करता है, उस थॉट में टेस्ट लेता है। क्यों? क्योंकि वो जो टेस्ट उसके इंद्रियों में भरा ही हुआ है, वो कैसे टेस्ट से पीछे हो सकता है, तो टेस्ट लेता है उसमें। लेकिन यमुनाचार्य उसी वक्त थूक रहे हैं, उस स्त्री के थॉट जो उनके माइंड में आ रहा है इमिडिएटली थूक पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको हायर टेस्ट की प्राप्ति हो चुकी है। हरिदास ठाकुर को लक्ष्य शीरा वैश्या आई फॉल्डन कराने, लेकिन हरिदास ठाकुर तस से मस नहीं हुए। वो भी तो विश्वामित्र की तरह डिस्टर्ब हो सकते थे, लेकिन नहीं हुए। क्यों? क्योंकि हरिदास ठाकुर को भी क्या मिला था, हायर टेस्ट मिला हुआ था। जब तक हायर टेस्ट नहीं मिलेगा तब तक लोअर टेस्ट, इंद्रियों का जो टेस्ट, जो करोड़ों जन्मों से जो हमें चस्का चढ़ा हुआ है इंद्रियों को टेस्ट देने की, आँखों को अच्छा चीज़ दिखाने की, अच्छा चीज़ मतलब गंदी चीज़ दिखाने की, और कानों को गंदा सुनाने की, गंदे फिल्मी सॉन्ग्स, सब कुछ गंदा गंदा सुनाने की हमें आदत पड़ चुकी है, गंदा टेस्ट चढ़ा हुआ है। एक हायर टेस्ट जब तक नहीं लेंगे तब तक लोअर टेस्ट छूटेगा नहीं। ये यहाँ पर पॉइंट कहा जा रहा है। अब लेकिन क्वेश्चन ये है कि हायर टेस्ट होता क्या है, ये क्वेश्चन है। क्या होता है हायर टेस्ट? हायर टेस्ट जैसे मैंने पिछली क्लास में बताया, हायर टेस्ट क्या होता है? हायर टेस्ट अर्थात दीनता। जब हम भगवान के ऐश्वर्य ज्ञान को समझेंगे, जैसे भगवद गीता के 10वें और 11वें अध्याय में ऐश्वर्य ज्ञान दिया है, तो एटलीस्ट हमें वो पढ़ेंगे तो भगवान का ऐश्वर्य पता चलेगा। और श्री प्रभुपाद जैसे कहते हैं कि प्रथम 9 स्कंद में भगवान का एक तरह से ऐश्वर्य ज्ञान ही दिया गया है, उस ऐश्वर्य ज्ञान को पढ़ेंगे तब माधुर्य ज्ञान जो दशम स्कंद है उसको अप्रिशिएट कर पाएंगे। प्लस सेवा जरूरी है, सेवा नहीं करेंगे तो सब कुछ पढ़ के भी कूड़ा हो जाएगा। ये भी पॉइंट है, सेवा भी और नाम भी। कृष्ण नाम कृष्ण काम कृष्ण धाम, शुद्ध भक्तियां सरस्वती ठाकुर कहते थे। कृष्ण नाम मतलब होली नेम चैंटिंग करेंगे हर रोज़ हरे कृष्ण महामंत्र की। कृष्ण काम मतलब भगवान की सेवा करेंगे, और कृष्ण धाम मतलब भक्तों का संग करना या शास्त्र अध्ययन करना। तो इस तरह से जब तक हायर टेस्ट नहीं मिलेगा तब तक लोअर टेस्ट नहीं छूटेगा। हायर टेस्ट क्या है? हायर टेस्ट है दीनता, दीन बनना। दीन तब बनेंगे जब हम भगवान का ऐश्वर्य ज्ञान भी लेंगे। और भक्तियान सरस्वती ठाकुर की भाषा में दीन मतलब वो व्यक्ति जो सदैव भगवान को या अन्य किसी को भी ब्लेम नहीं करता। जो उसके साथ बुरा होता है, उस बुरा होने के लिए वो ना भगवान को कभी ब्लेम करेगा और ना किसी अन्य व्यक्ति को ब्लेम करेगा, हमेशा अपने आप को ब्लेम करेगा। ये प्रैक्टिकल मतलब है, जिसको हायर टेस्ट की प्राप्ति होगी वो ब्लेम करेगा सदैव अपने आप को। आपा न करम भुंजाय क्षमा न कहे, ये लोचनदास ठाकुर कह रहे हैं। और लेकिन अब और कोई पूछ सकता है कि फिर भी एग्जैक्टली है क्या हायर टेस्ट हमें, मतलब जो हायर टेस्ट मिलेगा तो क्या होगा? तो हायर टेस्ट क्या है एग्जैक्टली तो कोई नहीं बता सकता, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटे बच्चे के हम कभी समझा सकते हैं, एक 2 साल के बच्चे को हम समझा सकते हैं काम वासना क्या होती है? नहीं समझा सकते। वो जब तक वो बड़ा नहीं होगा उसको काम वासना, जब तक वो एक्सपीरियंस नहीं करेगा तब तक उसको पता नहीं चलेगी काम वासना होती क्या। उसी तरह से जब तक हमें हायर टेस्ट खुद से जब हम अनुभव नहीं कर पाएंगे तब तक हमें एग्जैक्टली कभी पता नहीं लगेगा कि हायर टेस्ट होता क्या है। तो हायर टेस्ट क्या होता है, फिर भी अगर आप पूछें फिर भी कुछ तो मतलब होगा हायर टेस्ट का। तो हायर टेस्ट क्या होता है? हायर टेस्ट अर्थात हायर टेस्ट कहाँ होता है? स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। मटेरियल वर्ल्ड में लोअर टेस्ट होता है। तो उस हायर टेस्ट को एक्सेस करने के लिए, उसको कैच करने के लिए हमें अपनी भक्ति बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन होता क्या हायर टेस्ट मतलब उसमें कॉन्ट्राडिक्शंस होंगी। हायर टेस्ट में विरोधी भाव होगा। जैसे उदाहरण के तौर पे इस संसार के दुख में दुख है, इस संसार के सुख में सुख है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में या हायर टेस्ट में दुख में सुख है। गोपियों को दुख हो रहा है भगवान से दूर रहने पे, लेकिन उसी दुख में, उस विरह के दुख में ही अनंत सुख है, भक्ति का सुख। और सुख में दुख है, वहाँ की चीज़ें हम समझ नहीं सकते। उसको समझने के लिए हमें अपनी भक्ति साधना सही से करनी पड़ेगी, और उसके भक्ति में जो हम प्रयास कर रहे हैं उसके जो हम अहंकार से भी हमें मुक्त होना पड़ेगा कि प्रयास मैं खुद कर रहा हूँ। नहीं, हमेशा श्रेय भगवान को देना चाहिए कि भगवान मुझे शक्ति बुद्धि दे रहे हैं इसलिए प्रयास कर पा रहा हूँ, तो फिर हम हायर टेस्ट को अनुभव कर सकते हैं। और फॉर एग्जांपल जैसे कभी कभी
जो बहुत अच्छी चैंटिंग करते हैं डिवोटीज, उनको चैंटिंग छोड़ने पर 16 माला जब वो छोड़ते हैं तो एकदम से उनको डर लगना शुरू हो जाता है कि अब मैं जैसी माला छोड़ूंगा मुझे माया पकड़ लेगी और मैं भगवान से दूर हो जाऊंगा। उसको कहते हैं एक हायर टेस्ट की झलक, समझ रहे? उसमें कॉन्ट्राडिक्शन आ गई ना, विरोधी भाव आ गया ना, क्योंकि सामान्यतः जो कनिष्ठ वैष्णव होते हैं, छुंदक भक्त जो होते हैं, वो क्या करते हैं, उनको चैंटिंग जैसे ही 16 माला खत्म होती है एकदम से अच्छा लगता है, शुगर है माला खत्म हो गई आज की। लेकिन जो एडवांस डिवोटी होगा उसको जैसे 16 माला खत्म होगी उसको दुख लगेगा, यार अब माला मुझे रखनी पड़ेगी और क्योंकि अन्य सेवाएं भी हैं, लेकिन मैं जैसी माला छोड़ूंगा अब तो मैं माया में चले जाऊंगा। समझ रहे? विरोधी गुण आ गया उसमें, विरोधी भाव आ गया, इसका मतलब उसको हायर टेस्ट अनुभव कर रहा है, वो एक्सेस कर पा रहा है। ऐसा व्यक्ति फिर छूट सकता माया से। इसलिए कहते हैं कृष्ण भगवान क्या है, कृष्ण भगवान ब्रह्मचारी भी हैं और रासलीला भी कर रहे हैं, दोनों चीज़ें एक साथ हैं। तो जहाँ कॉन्ट्राडिक्शन होगी वहाँ हायर टेस्ट होगा। आध्यात्मिक जगत में कॉन्ट्राडिक्टरी, एक्चुअली वो कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ल्ड है, विरोधी चीज़ें होती हैं वहाँ पे, इसलिए वहाँ पे हायर टेस्ट है। लेकिन अब चक्कर ये है कि हायर टेस्ट की प्राप्ति के बावजूद भी भरत महाराज गिर गए, छोटा हरिदास जो महाप्रभु लीला में था उसका भी फॉल डाउन हुआ, ब्रह्मा जी अपनी बेटी के पीछे भागे, शिव जी मोहिनी अवतार के पीछे भागे, इन सबको तो हायर टेस्ट की प्राप्ति है, फिर ये कैसे भाग रहे हैं, ये इनका कैसे फॉल डाउन हो रहा है? इट मीन्स कि हायर टेस्ट की प्राप्ति के बावजूद भी फॉल डाउन हो सकता है, माया बहुत प्रबल है। अगर हम हायर टेस्ट हमारे पास है और अगर हम गोलियाँ चला रहे हैं दुश्मन पर, तो हम एक्चुअली गोलियाँ चलाते वक्त जो ये भूल जाता है कि सामने वाले के पास भी बंदूक है, वो भी गोलियाँ चला सकता है, तो फिर उसका फॉल डाउन हो जाता है। माया बहुत स्ट्रॉन्ग है, मम माया द्रुत्यया, भगवान ऐसे नहीं गीता में कह रहे, तो उस माया को पार कर पाना बहुत मुश्किल है। शिव जी और ब्रह्मा जी तक का माइंड आउट हो गया एक दृष्टिकोण से, ब्रह्मा जी तो भाग गई ऐसा लिखा ही है प्रभुपाद ने भी और भागवतम में, क्यों? क्योंकि माया बहुत स्ट्रॉन्ग है, हायर टेस्ट की प्राप्ति के बावजूद भी फॉल डाउन हो सकता है अगर हम सदैव निस्वार्थ होके और अच्छे भक्तों के संग में नहीं चले अगर हम चलते रहेंगे सही से, हमेशा अपने आप को एनालाइज करते रहेंगे और प्लस हमेशा प्रार्थना करते रहेंगे। अब लोग कहते हैं ना कि कई डिवोटीज कहते हैं प्रभु प्रार्थना की क्या ज़रूरत है, एक बिल्कुल छोटा बच्चा होता है 6 महीने का, वो कोई प्रार्थना थोड़ी ना करता अपनी मम्मी से कि मम्मी दूध दे दो, मम्मी ये कर दो वो कर दो, नहीं, अपने आप पेरेंट्स करते हैं। तो भगवान एक प्योर डिवोटी के लिए तो अपने आप करेंगे, लेकिन नहीं, इवन अ उत्तम भक्त कैन फॉल डाउन, एक उत्तम वैष्णव भी गिर सकता है अगर वो प्रार्थना करनी छोड़ दे। इसलिए प्रार्थना भगवान से एक शुद्ध भक्त हमेशा करता रहता है, क्योंकि उसको हमेशा माया से डर लगता है। जब हम प्रार्थना करनी छोड़ देते हैं तो फिर फॉल डाउन निश्चित हो जाता है। अब वैसे भरत महाराज के केस में, भरत महाराज को अभी प्रेम अवस्था तक तो नहीं पहुँचे लेकिन भावावस्था तक पहुँच चुके थे। छोटा हरिदास भी एग्जैक्टली पता नहीं किसी को कौन सी स्टेज पे थे, लेकिन शिवजी के केस में तो चलो भगवान ही थे, वो तो भगवान ही लीला कर रहे थे। और ब्रह्माई के केस में शिल प्रभुपाद तो लिखते हैं कि एज इट इज़ फॉल डाउन हुआ ही था, लेकिन अन्य आचार्यों का अलग मत है, वल्लभाचार्य के अकॉर्डिंग उनका फॉल डाउन नहीं हुआ, तो उसके पीछे कुछ और रहस्य है, तो वो चीज़ें भी हैं। तो अल्टीमेटली हमें अपनी भक्ति सही से करनी पड़ेगी। अब इसका ये मतलब नहीं है कि हम तो क्या करें फिर, अब इतना सब कुछ है तो नहीं, इसका इतना सब कुछ है तो इसका मतलब कि हम भक्ति करें सही से, अपनी साधना करें और हमेशा क्या करते रहें, भगवान से प्रार्थना करनी ना भूलें, क्योंकि हायर टेस्ट प्राप्त करने के बावजूद भी फॉल डाउन हो सकता है। मम माया द्रुत्यया, माया तो वहाँ से भी खींच के नीचे ला सकती है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड से। श्री प्रभुपाद ने कहा ही था कि गोपियों का भी, अगर कोई गोपी भी अगर कुछ गोपी किसी ललिता सखी की, विशाखा सखी का भी फॉल डाउन हो सकता है। श्री प्रभुपाद ने अपनी एक बार रूम कन्वर्सेशन में कहा था, क्यों? क्योंकि जीवात्मा में फ्री विल है, स्वतंत्र इच्छा है, उस स्वतंत्र इच्छा का दुरुपयोग करके वो कभी भी अपना अहित कर सकती है। इसलिए सदैव प्रार्थना हमें करनी चाहिए भगवान से, लेकिन प्रार्थना करने के योग्य वही है जो सही से साधना कर रहा है, सही से भक्ति कर रहा है, अच्छे भक्तों का संग ले रहा है या अच्छे भक्तों का संग के लिए ललायित है। ऐसे व्यक्ति की प्रार्थना ही भगवान सुनते हैं,
अगर हम कुछ सही से भक्ति नहीं कर रहे और प्रार्थना कर रहे हैं तो उसका भी कोई फायदा नहीं। डिजर्व करना चाहिए हमें प्रार्थना करने के लिए, योग्य होना चाहिए चाहिए पहले प्रार्थना करने के लिए भी। तो प्रार्थना हम अपने सही से साधना करें और फिर प्रार्थना करें तो भगवान सुनते हैं। लेकिन हम अपनी 16 माला ही नहीं कर रहे, कभी 2 माला कभी 6 माला कभी, या हमने 10 माला का अगर हमने संकल्प दिया तो उसमें भी हम कुछ ढील कर रहे हैं तो फिर भगवान प्रार्थना भी नहीं सुनेंगे। तो ये है बस इस शो का हायर टेस्ट क्या है, ये यहाँ पे मैं चर्चा कर रहा था। हरे कृष्णा, श्री प्रभुपाद की जय।